दोस्तों नमस्कार, आज एक नई वीडियो में फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा वेल्डिंग टूल एंड एज प्रिपरेशन। तो एज प्रिपरेशन क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों जानते हैं नेसेसिटी ऑफ एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जॉइंट्स आर प्रिपेयर टू वेल्ड मेटल, जॉइंट जो है मेटल को वेल्ड करने के लिए ये तैयार किए जाते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ एजेस आर ऑल्सो नेसेसरी प्रायर टू वेल्डिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट, ताकि जॉइंट को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाए, इसलिए इनको जो है इनकी जो प्रिपरेशन ऑफ एज है वो सबसे पहले जरूरी है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर द एज प्रिपरेशन। अब एज प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। द वेल्डिंग प्रोसेस लाइक SMAW, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड्स, CO2, इलेक्ट्रोस्लैग ETC, द टाइप ऑफ मेटल टू बी जॉइंट दैट इज माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन ETC, द थिकनेस ऑफ मेटल टू बी जॉइंट, द टाइप ऑफ वेल्ड, ग्रूव एंड फिलेट वेल्ड, इकोनॉमिक फैक्टर, इन सभी को देखते हुए जो है इसकी एज की प्रिपरेशन की जाती है। द स्क्वेयर बट वेल्ड इज द मोस्ट इकोनॉमिकल टू यूज, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल यूज होता है वो है आपकी बट वेल्ड का, सिंस दिस वेल्ड रिक्वायर्स नो चैम्फरिंग, क्योंकि इसमें चैम्फरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ मिल जाती है। द जॉइंट्स हैव टू बी बेवल्ड व्हेन द पार्ट्स टू बी वेल्डेड आर थिक, सो दैट द रूट ऑफ द जॉइंट्स हैव टू बी मेड एक्सेसिबल फॉर वेल्डिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है। इसके जो पार्ट्स हैं उनको जो है कॉर्नर्स को जो हम क्या कर देते हैं, बेवल्ड कर देते हैं यदि जो है पार्ट्स जो है बहुत ज्यादा थिक हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक, यदि अर्थव्यवस्था की बात की जाए, बेवल बट वेल्ड्स होती है शुड बी सिलेक्टेड विद मिनिमम रूट ओपनिंग एंड ग्रूव एंगल्स, मिनिमम रूट एंगलिंग और ग्रूव एंगल्स के साथ इसको काम करते हैं, सच दैट द अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल टू बी डिपोजिटेड इज द स्मॉलर। तो जो अमाउंट की, जो वेल्ड की जो अमाउंट डिपोजिट होती है, इकट्ठी होती है, वो क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। अब जे एंड यू बट जॉइंट्स मे बी यूज टू फर्दर मिनिमाइज वेल्ड मेटल व्हेन द सेविंग आर सफिशियंट टू जस्टिफाई द मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली चैम्फरिंग ऑपरेशंस। जितने भी कॉस्टली चैम्फरिंग ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, मोर डिफिकल्टीज होते हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए जे एंड यू बट जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। द जे जॉइंट इज यूजुअली यूज्ड इन फ्लैट वेल्ड्स, जे का फ्लैट वेल्ड में इस्तेमाल करते हैं। ए रूट गैप इज रिकमेंडेड सिंस द स्पेसिंग अलाउज द श्रिंकिंग वेल्ड टू ड्रॉ द प्लेट्स फ्रीली टूगेदर इन द बट जॉइंट। अब इसमें जो थोड़ा सा श्रिंकिंग भी आता है, सुकड़ना भी होता है, जब इसको गर्म करके किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो सुकड़ती भी ठंडा होने पर। थस इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस वेल्ड क्रैकिंग एंड मिनिमाइज डिस्टोर्शन एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, डिस्टोर्शन को कम करता है, क्रैकिंग को भी कम करता है। और बाय प्रोवाइडिंग ए रूट गैप देने के साथ फॉर सम वेल्डेड जॉइंट्स को, मेथड ऑफ एज प्रिपरेशन, द जॉइनिंग एज मे बी प्रिपेयर्ड फॉर वेल्डिंग बाय एनी वन ऑफ द मेथड मेंशनड बिलो। इनमें से किसी भी मेथड के जरिए जो हम इसको तैयार कर सकते हैं, या आपका फिल्म कटिंग, या मशीन टूल कटिंग, या मशीन ग्राइंडिंग और हैंड ग्राइंडिंग, या फिर आपका फिलिंग चिपिंग, ये सारे के सारे मेथड्स हैं। अब टाइप्स ऑफ एज प्रिपरेशन एंड सेटअप, डिफरेंट एज प्रिपरेशन जनरली यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग आर शोन इन फिगर। पहला फ्लेंज बट है, दूसरा स्क्वेयर बट है, नीचे सिंगल वी बट है, या आपका सिंगल यू बट है। ये आपके दोस्तों एज प्रिपरेशन के क्या हैं, सेटअप के टाइप्स हैं। फिर ये आपका डबल बी बट है, ये डबल यू बट है, नीचे सिंगल वेवल बट है, फिर ये सिंगल जे बट है। उसके बाद डबल वेवल बट, डबल जे बट, टी फ्लैट, लेफ्ट फ्लैट और आपका कॉर्नर फ्लैट, ये सब इसी के टाइप्स हैं। नेक्स्ट होता है सिंगल वेवल फ्लैट और डबल वेवल फ्लैट्स, ये आपके एज प्रिपरेशन के दोस्तों टाइप्स हो गए हैं। अब टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। अब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स या इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, आइए जानते हैं। गैस वेल्डिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले, गैस वेल्डिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। इट इज डन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल गैसेस, ये फ्यूल गैसेस को जला करके इसका इस्तेमाल करते हैं विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच फॉर्म ए कंसेंट्रेटेड फ्लेम ऑफ हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन के जरिए जिससे जो है कंसेंट्रेटेड फ्लेम हाई टेम्परेचर पर मिलती है। दिस फ्लेम डायरेक्टली स्ट्राइक्स द वेल्ड एरिया, ये वेल्ड एरिया पर डायरेक्टली स्ट्राइक्स करती है एंड मेल्ट द वेल्ड सरफेस एंड फिलर मटीरियल, और फिर जो वेल्ड सरफेस है और जो फिलर मटीरियल इलेक्ट्रोड वगैरह दोनों को पिघला देती है। द मेल्टेड पार्ट ऑफ वेल्ड प्लेट्स, जो वेल्ड प्लेट का मेल्टेड पार्ट होता है, डिफ्यूज वन एनोदर एंड क्रिएटेड वेल्ड ज्वाइंट आफ्टर कूलिंग, दोनों को डिफ्यूज कर देता है और दोनों को ठंडा होने के बाद देखते हैं तो वेल्ड ज्वाइंट तैयार हो जाता है। दिस वेल्डिंग मेथड कैन बी यूज टू ज्वाइन मोस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स यूज इन डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में हमारी दिनचर्या में जो सबसे ज्यादा मेटल्स को जोड़ने का जो इस्तेमाल किया जाता है वो गैस वेल्डिंग से ही किया जाता है, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ध्यान रखना दोस्तों इसका। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर बात करें तो ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर दे रखा है, कलर इसका ब्लैक होता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों इससे 100% कि जो एसिटिलीन गैस वेल्डर जो होता है ऑक्सीजन के लिए उसका कलर कैसा होता है, तो ऑक्सीजन का होता है दोस्तों आपको ब्लैक कलर का, ठीक है जी। उसके बाद आपका आर्गन वगैरह का भी होता है, ठीक है, तो जानते हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए बिगिनर डीलिंग विद ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग is to identify the tools and equipment required and know their uses. जो beginners होते हैं, शुरुआती नए welders होते हैं, उनको इसके tools और equipments के बारे में जानकारी होनी चाहिए। oxygen gas cylinder is black color pointed. इसको black color का paint करते हैं, point नहीं है, painted होता है। steel bottle and is has a storing capacity of 7 meter की power 3 gas. 7M3 की पावर गैस जो इसके अंदर भर सकते हैं। द वाल्व सॉकेट हैज राइट हैंड थ्रेड्स, जो वाल्व सॉकेट होता है उस पर राइट हैंड थ्रेड्स होती हैं। द सिलेंडर इज यूज्ड टू स्टोर ऑक्सीजन गैस विद ए प्रेशर ऑफ 120 टू 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो प्रेशर जो होता है इसके अंदर जो हम इसको स्टोर करते हैं वो 120 से लेकर के 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास तक हो सकता है। नेक्स्ट है डिजॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर, ये एसिटिलीन सिलेंडर होता है, कलर इसका मैरून होता है, ऑक्सीजन का ब्लैक हो गया, एसिटिलीन का मैरून हो गया, एक होता है आर्गन उसका ग्रीन होता है। दिस इज पेंटेड मैरून एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी ऑफ 6 meter की पावर 3, इसकी जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है 6 meter की पावर 3 होती है और इसको मैरून कलर में इसको पेंट करते हैं। द वाल्व सॉकेट हैज लेफ्ट हैंड थ्रेड, जो वाल्व सॉकेट होता है उस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर एसिटिलीन गैस इन ए डिजॉल्व स्टेट विद ए प्रेशर ऑफ 15 to 16 kg per cm². जब हमको डिजॉल्व स्टेट के अंदर एसिटिलीन गैस को स्टोर करना होता है जिसका कि जो प्रेशर होता है 15 से 16 kg/cm³² होता है, तो उस कंडीशन में हम जो है डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर आएगा वो मैरून होता है दोस्तों, जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऑक्सीजन का ब्लैक और आपका एसिटिलीन का आपका कौन सा हो गया, मैरून हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर रेगुलेटर्स फॉर ऑक्सीजन। द रेगुलेटर इज यूज टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द ऑक्सीजन सिलेंडर गैस प्रेशर टू ए सूटेबल वर्किंग प्रेशर एंड मेंटेन कॉन्स्टेंट रेट ऑफ गैस फ्लो फॉर द ब्लो पाइप। ब्लो पाइप के लिए कॉन्स्टेंट गैस फ्लो मिलता रहता है और दूसरा आपका जो है क्या काम करता है, इसको रिड्यूस एंड कंट्रोल द ऑक्सीजन सिलेंडर गैस प्रेशर, जो ऑक्सीजन की गैस की सिलेंडर का जो प्रेशर होता है उसको कम ज्यादा करने का काम भी इसी का होता है। द रेगुलेटर हैज राइट हैंड स्क्रू थ्रेड्स, इस पर राइट हैंड स्क्रू थ्रेड्स होती हैं। ये आपको ऑक्सीजन गैस फ्रॉम सिलेंडर एंटर्स हेयर नीचे दिखा रखा है, उसके बाद RH थ्रेडेड टू सिलेंडर, उसके बाद सिलेंडर प्रेशर गेज, वर्किंग प्रेशर गेज, रेगुलर प्रेशर एडजस्ट टॉप स्क्रू स्केलन व्हेन नॉट इन यूज, और ऑक्सीजन टू ब्लो पाइप RH थ्रेड होती है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर रेगुलेटर्स फॉर एसिटिलीन। एसिटिलीन के लिए प्रेशर रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, ये एसिटिलीन गैस फ्रॉम सिलेंडर एंटर्स हेयर, फिगर दिखा रखा आपको दोस्तों, नॉमेनक्लेचर इसका देख लो। दिस इज टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द एसिटिलीन सिलेंडर गैस प्रेशर, ये भी एसिटिलीन सिलेंडर गैस के प्रेशर को जो कंट्रोल करने का काम करता है। टू ए सूटेबल वर्किंग प्रेशर, ताकि हमको एक सूटेबल वर्किंग प्रेशर मिल जाए एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ फ्लो फॉर द ब्लो पाइप, ताकि कॉन्स्टेंट रेट ऑफ गैस का फ्लो मिल जाए ब्लो पाइप के लिए।
दिस रेगुलर रेगुलेटर हैज लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड्स, इस पे लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड्स होती हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेगुलेटर्स हैव ए सिलेंडर प्रेशर गेज, दोनों के अंदर ही सिलेंडर प्रेशर गेज होता है, चाहे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे आपका एसिटिलीन रेगुलेटर हो, सॉरी, टू इंडिकेट द सिलेंडर गैस प्रेशर एंड ए वर्किंग प्रेशर, जाके हमको जो है सिलेंडर गैस प्रेशर मिल जाए, वर्किंग प्रेशर मिल जाए, टू इंडिकेट द वर्किंग प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लो पाइप, जो ब्लो पाइप के लिए जितना हमको वर्किंग प्रेशर चाहिए उसको प्रदान करने का काम इसी का होता है। नेक्स्ट होते हैं रबर हाउसेज, ये फिगर में दिखा रखे हैं दोस्तों, रबर हाउसेज ब्लो पाइप है, ऑक्सीजन हाउस है ब्लैक कलर में, एसिटिलीन हाउस है मैरून कलर में, इसी के हिसाब से इनके हाउस के भी कलर वही होते हैं। द हाउस कैरीज द गैसेज फ्रॉम गैस रेगुलेटर, जो गैस रेगुलेटर से जो गैसेज निकलती हैं उनको टू द ब्लो पाइप, ब्लो पाइप तक पहुंचाने का काम गैस रबर हाउसेज का होता है। द हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैनवास रबर, ये स्ट्रॉन्ग कैनवास रबर के बने होते हैं, एंड इट हैविंग गुड फ्लेक्सीबिलिटी, इनकी फ्लेक्सीबिलिटी बहुत अच्छी होती है। द हाउस पाइप फॉर द ऑक्सीजन लाइन इज ब्लैक इन कलर, वाइल दैट फॉर द एसिटिलीन लाइन इज मैरून कलर, यानी कि यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ब्लैक कलर में होते हैं और यदि एसिटिलीन की बात करें तो ये मैरून कलर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होज पाइप कनेक्शंस फॉर रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स के लिए होज पाइप कनेक्शंस क्या होते हैं। दिस इज ए कनेक्टिंग यूनियन यूज टू कनेक्ट रबर हाउसेज पाइप्स विद द रेगुलेटर, रेगुलेटर के साथ आपके जो है होज पाइप्स को, रबर होज पाइप्स को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन कनेक्शन हैज राइट हैंड थ्रेड्स, जो ऑक्सीजन कनेक्शन होते हैं उन पर राइट हैंड थ्रेड होते हैं, वाइल द एसिटिलीन कनेक्शन हैज लेफ्ट हैंड थ्रेड, यानी कि ऑक्सीजन पे आपके राइट हैंड थ्रेड और एसिटिलीन पर आपके लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं। द नट यूज फॉर द एसिटिलीन रबर होज कनेक्शन विल हैव ए नॉच एट इट्स कॉर्नर, जो हम एसिटिलीन रबर होज के लिए इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन का, उसकी जो नॉच होनी चाहिए वो जो है एट इट्स कॉर्नर पर जो है वो होनी चाहिए, कॉर्नर्स वगैरह इसके अंदर। नेक्स्ट है होज पाइप कनेक्शंस फॉर बिलो पाइप, अब बिलो पाइप की बात करते हैं, नीचे नॉमेनक्लेचर दे रखा है दोस्तों। दिस हैज द शेप ऑफ ए कनेक्टिंग यूनियन एंड इज फिटेड विद ए नॉन रिटर्न डिस्क, नॉन रिटर्न डिस्क के साथ फिटेड होती है टू प्रिवेंट फ्लैश बैक एंड बैक फायर ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग करते वक्त जो है ताकि बैक फायर ना आए, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट द रबर होज पाइप विद द बिलो पाइप, बिलो पाइप से रबर होज पाइप को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द ऑक्सीजन कनेक्शन हैज राइट हैंड थ्रेड्स, जो ऑक्सीजन कनेक्शन होते हैं उन पर राइट हैंड थ्रेड होते हैं, वाइल द एसिटिलीन हैज वन लेफ्ट हैंड थ्रेड, और जो एसिटिलीन होते हैं उस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं। ये फिगर दिखा रखा है दोस्तों, ऊपर से शुरुआत की जाए तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन फ्री सिक्योरिंग नट नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और इधर लेफ्ट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन और स्टेनलेस स्टील डिस्क वाल्व सीट इंस्टेंटेनियसली व्हेन गैस फ्लो इज रिजर्व्ड नॉन रिटर्न वाल्व बोल देते हैं इसको, ये होज प्रोटेक्टर है आपका दोस्तों। नेक्स्ट है बिलो पाइप सेट विद नोजल, नोजल के साथ बिलो पाइप की बात करें तो सेट की, दिस इज ए डिवाइस विद ए हैंडल एंड इनलेट कनेक्शन फॉर एसिटिलीन, इसमें हैंडल और एसिटिलीन कनेक्शन के लिए जो है इनलेट होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं एंड ऑक्सीजन के लिए राइट हैंड थ्रेड्स होते हैं। इट हैज कंट्रोल वाल्व फॉर एसिटिलीन, एसिटिलीन के लिए कंट्रोल वाल्व होते हैं एंड ऑक्सीजन गैस फ्लो, ऑक्सीजन के लिए गैस फ्लो के लिए, ए गैस मिक्सचर चैम्बर एंड ए नेक पाइप विद ए नोजल, और जो है इसमें एक आपका गैस मिक्सिंग चैम्बर होता है जिसमें आपकी नेक पाइप जो है नोजल लगी हुई है, नीचे आपका फिगर दे रखा दोस्तों नोजल वगैरह का। तो दोस्तों नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।